वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली आज हम आपके लिए लाए हैं बौरी मोहल्ले की बहुत ही फेमस हुसैनी कबाब जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट और जयकों से भरे कबाब आज हम आपको बताएंगे हुसैनी कबाब बनाने का तरीका जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और जब दस्तरखान पर कबाब आपके सजेंगे तो बहुत ही शानदार दस्तरखान लगेगा तो सबसे पहले हमने ले लिया है 300 ग्राम कीमा जिसे हमने धोकर बिल्कुल उसका पानी निकाल लिया है और फैट के साथ हमने कीमा लिया है आप देखिएगा कि हमने थोड़ा सा चिकनाहट जो होती है ना वो भी कीमे में पिसवा लिया है ताकि हमारे कबाब अंदर से सॉफ्ट जूसी बन जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मसाले ले लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेम हमारे तरीके से आप बनाइएगा टू टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची टू तो टेबल स्पून कुटी हुई अखी धनिया वन टेबल स्पून कुटी हुई सौफ़ दो पीच हल्दी और वन टेबल स्पून नमक सारे मसाले हमारे धनिया सौफ़ और अखी लाल मिर्ची चिली फ्लैक्स सब भुने हुए सारे मसाले हम भुने हुए ही लेंगे बिना भुने हुए नहीं लेना है और अब हम ले लेंगे सौ ग्राम बारीक कटी हुई प्याज चॉपर में एकदम बारीक कट कर लिया है और उसका पानी बिल्कुल हाथ से दबा दबा कर हमने निकाल लिया है तो जो ट्रिक हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल वही तरीके से आपने बनाना है हमने एक मुट्ठी हमने ले लिया है धनिया हरा धनिया और पुदीना और साथ ही में बारीक कटी हुई चार हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से आप अपने तेज कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसको गलने के लिए हमें लेना है पपीते का पेस्ट दरदरा पिसावा लेना है हमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है किसी भी चीज़ में तो दरदरा पिसावा हम पपीते का पेस्ट ले लेंगे हम बड़े के कीमे के कबाब बना रहे हैं तो उसे गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो ये गल जाएगा और साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाएगा और अब हम जो मेन इम्पोर्टेंट मसाला है ना बोरी मोहल्ले के कबाब का हुसैनी कबाब का तो वो ये है एक चम्मच हम ज़ीरा ले लेंगे आधा चम्मच काली मिर्च ले लेंगे एक बड़ी इलायची एक टुकड़ा दाल इंच का और साथ ही में दो बड़ी इलायची एक टुकड़ा जावेत्री का दो लौंग और जायफल का एक टुकड़ा ये स्पेशल मसाला है हुसैनी कबाब का इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे बिल्कुल एकदम बारिक नहीं करना है सिर्फ दरदरा करना है तो आप ये याद रखिएगा हुसैनी मसाले का ये इम्पोर्टेंट मसाला है जो कबाब हम बना रहे हैं उसका और यकीन माने ये डालते ही और ये इसे मसाले को पीसते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है ना हमारे किचन में आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा 300 ग्राम हमने कीमा लिया है तो उसमें 100 ग्राम बारीक चॉप की हुई प्याज हमने लिए और बिल्कुल उसका पानी निकाल लिया है। ना कीमे में पानी है ना पुदीने में ना प्याज में किसी चीज़ में हमने पानी नहीं रखा है बिल्कुल निचोड़ निचोड़ कर हमने लिया है तो हल्के हाथ से आपने क्या करना है सबको मिक्स कर लेना है कीमा प्याज़ स्पेशल हुसैनी मसाला और जो खड़े मसाले दर दरे हमने पीसे थे ना वो भी हमने साथ में मिक्स कर लिया अच्छे से इसे कम से कम पाँच मिनट तक आपने ऐसे मसलते हुए आपने मिक्स कर लेना है पानी तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया तो पानी बिल्कुल भी इसमें निकलेगा नहीं तो जो भी हल्का उल्का होगा तो उसे आगे हम देखेंगे कि क्या करना है बट यकीन माने अभी से ही आपके किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने लगेगी ना कि हम आपको क्या ही बता करता है। और आपने बिल्कुल हमारे चैनल को फॉलो करना है लाजमी है आपको फॉलो करना है और अगर आप न्यू हो तो भी फॉलो करिए और अगर पहले से भी आप हमारे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए शेयर करिए और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए पाँच मिनट इसी तरीके से आप क्या करेंगे मिक्स करते रहेंगे ठीक है ना हल्के हाथ से मिक्स करना है बिल्कुल दबा दबा कर नहीं रखना है और इसे अब आधे घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ में नहीं रखना है फ्रीज़र में रखना है और बिल्कुल महीन बारीक चॉप की भी प्याज लेना है हमने चॉपर में चॉप किया था ये देखिए बॉल ये बन रहे हैं बिल्कुल भिकर नहीं रहे मतलब कि अलग अलग नहीं हो रहा है कीमा कि प्याज़ और कीमा अलग हो जाए बिल्कुल नहीं अब आधे घंटे के बाद हमने कीमे को फ्रीज़र से निकाल लिया है तो आधे घंटे तक क्या हो गया पपीता अच्छे से अपना काम कर लिया एकदम सॉफ्ट हो गया है हमारा कीमा और अब इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स जो हुसैनी कबाब में होते हैं ना तो वो मेन इंग्रेडिएंट है बाजरे का आटा आम तौर पर तो सभी बेसन का आटा यूज़ करते हैं बट ऑथेंटिक हुसैनी कबाब जो बनाना है ना बोरी मोहल्ले वाले उसमें दो टेबलस्पून 300 तीन सौ ग्राम आ, आपने कीमा लिया है तो दो टेबलस्पून बाजरे का आपने लेना है आटा और साथ ही में टू टेबल स्पून सूखा हमें अदरक लहसन लेना है और हाफ लेमन लेना है नींबू नींबू का रस याद रखिए ये मसाले हमने सारे बाद में ऐड किए हैं ठीक है ना आधे घंटे के बाद और जी बाजरे का आटा डाला है ना इससे बहुत ही क्रिस्पी और एक अलग ही फ्लेवर आने लगेगा आपके हुसैनी कबाब में तभी तो इसका नाम पड़ा है कि बोरी मोहल्ले के फेमस हुसैनी कबाब तो इस तरीके से आप मिक्स कर लें तो ये देखें कितना ड्राई है हमारा कीमा बिल्कुल भी पिल पीला गिल मतलब इसे पिचपिचा नहीं है एकदम सूखा है अब इसके हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर फ्रीज़र में सिर्फ और सिर्फ दस मिनट के लिए रखेंगे एक बार आपने इसका डो बना लिया ना तो आप बार बार इसे फ्राई करके खा सकते हो आप इसके स्टोर भी कर सकते हो एक महीने तक बहुत ही आसानी ही से ये बन जाते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खुशबूदार और एकदम लजीज़ फ्लेवर में ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से ये कबाब सॉफ़्ट रहते हैं अब इसे हम फ्रीज़र में दस मिनट के लिए रख लेंगे हमने अच्छे से मसल लिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी बाजरे का आटा भी और नींबू भी तो ये आप देख सकते हो कितना ड्राई बिल्कुल ड्राई है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो अब हम आपसे मिलेंगे दस मिनट के बाद जब तलक अदरक लहसन का पेस्ट बाजरे का आटा अच्छे से बाइंड हो जाएगा कीमे में और सारे मसाले में तो अब 10 मिनट हो चुके हैं 10 मिनट के बाद अब हम आपको बताते हैं कि कैसा है हमारा कीमा तो ये देख सकते इसमें बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं किया ये बहुत ही सूखा ड्राई है अब ये तैयार हो चुका है कबाब के बॉल बनाने के लिए तो ये देखिए कितने बड़े बड़े हम ये बॉल बना रहे अच्छे खासे बड़े हैं ये बिल्कुल छोटे साइज़ के नहीं है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त से अच्छे बड़े बड़े हमने कीमे के कबाब के बॉल बना लिया इसी तरीके से हम सारे कीमे के बॉल बना लेंगे कबाब बना लेंगे और आप यकीन माने 300 ग्राम कीमे में पूरे 50 कबाब बने थे और वो भी बहुत ही अच्छे साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे नहीं ये आप देख सकते और साइज़ इसी तरीके से पूरे 50 कबाब बनकर तैयार हुए थे तो आपने क्या करना है सारे ऐसे ही कबाब बना लेना है यही साइज़ के ये देखें कितने ज़बरदस्त साइज़ है ये नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे से है तो पचास बने बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त से साइज़ ये आप देखें और आप गिन भी सकते हैं ये पूरे फिफ्टी है और कुटी हुई लाल मिर्ची कोतमीर हरी मिर्चे अखा धनिया सॉफ्ट जो दिख रहे हैं ना जब, जब जबान में आएंगे ना तो इतना फ्लेवरफुल लगेगा ना ये कबाब की मुंह का मज़ा ही खुल जाएगा बड़े ही चटपटे लजीज हमारे कबाब बनकर तैयार हुए अब इसे आपने क्या करना ऐसे ही फ्रीज़र में रख लें और बाद में एक एयर टाइट पॉलीथीन में आप पैक करके डीप फ्रीज भी कर सकते हो और या तो तुरंत भी आप फ्राई कर सकते हो तो कुछ हम फ्राई करेंगे और कुछ हम डीप फ्रीज़ करेंगे तो ऑयल हमारा हमारा बहुत ज़्यादा खोल चुका है ये हम चेक कर रहे हैं अच्छा खोल चुका है अच्छे से गर्म होने के बाद आप लो फ्लेम कर लें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है लो करने के बाद ही फ्राई करना है तो हमने गैस की फ्लेम लो कर ली है और बारह से पंद्रह हम अब हुसैनी कबाब को फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं लो फ्लेम पर हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है ऑयल को और उसके बाद ही हमें कबाब को डालना है ऑयल में तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही खुशबूदार से हमारे कबाब घर में बनकर तैयार हो रहे हैं तो मार्किट से क्यों लाना है और हमारे घर पर तो बिना कबाब के दस्तरखान सचता ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है बिना कबाब के हमारे घर में अक्सर रमज़ान में डेली डेली का रूटीन है कि कबाब बनते ही हैं हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और हमारे मायके में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है कबाब की रेसिपी तो ये आप ज़रूर से ट्राई करिएगा बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल है तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और गोल्डनिश कलर आया है बिल्कुल भी काला कलर नहीं आया आपने इसी स्टेज पर निकाल लेना है सारे कबाब को अगर आपने ज़्यादा इसको फ्राई किया तो ये काले हो जाएंगे काले हो जाएंगे तो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे ये अब जब आप निकाल लोगे उसके बाद ये अपने आप और भी क्रिस्पी हो जाएंगे और ये देखिए बॉल छोटे नहीं बिल्कुल वही साइज़ के हमारे हुसैनी कबाब बने और बहुत ही ज़बरदस्त और आप ऑयल देख सकते हो पूरा क्लीन है ये नहीं है कि प्याज़ निकल गई है कि लाल मिर्चें निकल गई है कुछ भी नहीं है ऑयल बिल्कुल क्लीन है और बहुत ही आसानी से कुछ टूटे भी नहीं है कबाब आप देख सकते हो और ये आवाज़ भी आप सुन सकते हो कि कितने क्रिस्पी कबाब बने हैं हमारे तो है ना नो फेल कबाब है बिल्कुल ये फेल रेसिपी है ही नहीं आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से और डीप फ्रीज भी कर सकते हो और पूरे रमज़ान आप इसे खा सकते हो तो ये देखिए अंदर से कितना ज़बरदस्त कलरफुल प्याज़ हरी मिर्चें और साथ ही में कोतमीर पुदीना दिख रहा है तो और थोड़े से हम कबाब एक बैच में और फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमें ये खाना है हमारे बच्चों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ज़्यादा वेट करें तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम फ्राई कर रहे हैं तो आप जो बचेगा वो हम डीप फ्रीज़ कर लेंगे तो आपने क्या करना है हाई फ्लेम पे पहले ऑयल गरम कर लेना है बाद में आपने क्या करना है लो फ्लेम कर लेना है और धीमी आंच पर ही आपको फ्राई करना है और अंदर से बहुत ही जूसी और ऊपर से क्रिस्पी कबाब आपके बनकर तैयार होगी। बट शर्त ये है कि आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है हमारे तरीके से अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दिया या एक भी स्टेप आपने स्किप कर दिया ना तो फिर कबाब आपके हो सकता है फट जाए तो इसीलिए आपने पूरी रेसिपी हमारे तरीके से ही फ़ॉलो करना है तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त हुसैनी कबाब लग रहे हैं देख ही दिल ललचाता है कि फट से ये मिल जाए और हम खा लें बड़ी ही खुशबूदार से कबाब बन रहे हैं तो हमारे कबाब बनकर ये तैयार हो रहे हैं और अब उसे हम डिश आउट कर लेंगे तो और भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी रमज़ान की रेसिपी के लिए आपने क्या करना है हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्ती किचन को फॉलो करना है लाइक करना है और साथ ही में अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है तो ये देखिए ये हमारी रमज़ान की सेकंड रेसिपी है और साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त से मार्केट वीडियोस व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर और रमज़ान शरीफ के भी व्लॉग्स आपको बहुत ही अच्छे मज़ेदार से मिलेंगे तो बने रहें हमारे साथ में तो ये देखें हमने हरी धनिया कोतमीर पुदीना और साथ ही में इमली और लसन की चटनी पीस ली है चटकारेदार सी और प्याज पुदीना नींबू के साथ में हमने हुसैनी कबाब को सर्व किया है तो ये देखते ही दिल कर रहा है कि सारे कबाब एक ही साथ में खा जाए इतने ज़बरदस्त खुशबूदार गोल्डन ईश कलर के और बहुत ही फ्लेवरफुल जूसी से एक कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं ये आप देख सकते हैं आप चारों तरफ से देखिए बिल्कुल कबाब एक ही साइज़ के बने हैं बिल्कुल टूटे नहीं है ना फटे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी और जितनी देर आप ये बाहर रखोगे ना उतने और ये ये क्रिस्पी होंगे बिल्कुल भी ये नरम नहीं पड़ेंगे इसकी ये एक मज़े की बात है तो चटनी का कलर भी देखिए कितना बेहतरीन लजीज लग रहे हैं तो आपने जरूर से क्या करना है जैदर शेख के चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है ये देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है फ्लेवरफुल लग रहा है और आप इसी तरीके से सर्व करिएगा और साथ ही में रेसिपी को एंजॉय करें अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिज़